अग्रवाल साहब की कहना चाहोगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों तो चंडीगढ़ के प्रशासन भी खजलखार हो रहा, आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, लगातार मुद्दा बंदी सिंह की रिहाई लैके उठता है, तो बीजेपी का केस है? साढ़े वेले के केस नहीं है, वो जिस तरह दुजला पा के गए हैं वो जो तीन अध्ययन करोगे थोड़ा पता लग जूगा। बंदी सिंह की रिहाई में लैके पिछले कई दिनों तो चंडीगढ़ में सिख जथेबंदियों वालों मोर्चा लाया गया और इस संबंधी वक् वक् जथेबंदियों वालों मांग की जा रही है कि बंदी सिंह रिहा किया जाए। इस गल लैके बीजेपी का की स्टैंड है? लगातार पंजाब सरकार केंद्र से निशाना साधती है और केंद्र सरकार जिहड़ा कि केजरीवाल से निशाना साधती है कि बंदी सिंह की रिहाई का अड़िका आम आदमी पार्टी बन रही है, केजरीवाल बन रहे हैं। पर साडे नाल हरजीत सिंह गरेवाल मौजूद ने, गलबात करते उन्होंने। अग्रवाल साहब की कहना चाहोगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों तो चंडीगढ़ के प्रशासन भी खजलखार हो रहा, आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, लगातार मुद्दा बंदी सिंह की रिहाई लैके उठता है, तो बीजेपी का किस्ट है? देखो, जिन्हों सज़ा पूरी हो गई कानून सम्मत आ उन्होंने रिहाई होनी चाहिए, बीजेपी का स्टैंड है। तो साडा वो, क्योंकि जोड़े केस ने यह कांग्रेस के टाइम के आ, दूसरिया सरकार के आ, साडे वेले दे केस नहीं है, वो जिस तरह दुजला पा के गए हैं वो जो तुम अध्ययन करोगे थोड़ा पता लग जूगा कि कोई भी सरकार आसानी नाल इस तरह नहीं छड़ सकती। तो जिस तरह हुण हवारा की फाइल है वो भई है केजरीवाल को, केजरीवाल क्लीयर ही नहीं कर रहे, वो की कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी को पुछ लो, पता ही कहेंगे ये नहीं रिहाई कर रहे, भाई तुम साइन करवा के लिया दो कर दें। तो अड़िका कितों समझते हो, क्योंकि एक दूजे तो सरकार निशाने जरूर साधती है पर असल अड़िका कितने आ रहा? अड़िका उत्थे ही है, जिस तरह फाइल वो उत्थे पई है, तो हालांकि उसका हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो रिहाई हो जाए तो सानू तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साढ़े तो कैबिनेट मिनिस्टर गए, वो जाके परफॉर्मा भी भराए, साइन भी कराए। तो इस मांग होर उठती है, चलो रिहाई का मामला तो एक पिछले लंबे समय तो चल रहा है, क्योंकि इन्हों की सज़ा जी पूरी हो चुकी है, पर एक पासे जिहड़े कि सिरसा डेरा मुखी ने उन्होंने पैरोल दी गई है पिछले लंबे समय तो, जिहड़ा कि टाइम टू टाइम उन्होंने पैरोल दी जाती है, चाहे उन्होंने माता ढिले ने, चाहे उन्होंने किस गल लैके, पर बंदी सिंह पैरोल क्यों नहीं दी? पैरोल नहीं मिल सकती उन्होंने, क्योंकि वॉर अगेंस्ट नेशन के अपराधी ने, ठीक है। और इन्हों पैरोल इस करके मिलती है कि जेल मैनुअल का जिहड़ा लॉ ने वो इन्हां ते अप्लाई हुंदे आ, उहदे मुताबक जिहड़ा कानून सम्मत है, यह सारा काम ही कोई सरकार गैर कानूनी काम नहीं कर रही। जे किसी नूं लगदा असीं कुछ गैर कानूनी करदे हां तां उह अदालतां जा सकदे आ, चाराजोई कर सकदे आ, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और सरकार का कुछ लेना देना नहीं है डेरा प्रमुख नाल वी, और साडा ना तो इन्हां नाल कुछ बैर विरोध आ, ना उहदे नाल बैर विरोध आ, ना उहदे नाल ही कोई फेवर आ, ना इन्हां नाल कोई फेवर। तो केंद्र सरकार वालों बजट जारी कर दिया गया और हरसिमरत कौर बादल ने जिहड़ा कि संसद में भी मुद्दा चुकया कि गरीबी रेखा के विच हले भी लोग जिहड़े ने जूझ रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चंगे दिन आउणगे, की कहना चाहोगे? बीबा हरसिमरत नूं पता कि गरीबी की हुंदी है, मेरे नाल चलण देख लैण, एक देश दे दो देश इत्थे किवें बने होए आ। वो तो जदों उन्होंने मुद्दा चकना सी, जदों असी कहंदे सी कि जिहड़े किसान सुसाइड विक्टम फैमिलीज़ ने उन्हां च असी जांदे सी, रिपोर्ट दिंदे सी, उस वेले ही बीबा हरसिमरत कहंदी सी बीजेपी वाले झूठ बोलदे आ, सानूं बदनाम करदे आ, जदों सरकार च सी। ते हुण बीबा हरसिमरत नूं गरीबी रेखा दा पता लग्गा किथे आ, ते इस करके जो बजट असी बनाया वो आने वाले 25 तो 50 साल का बजट है, जिहड़ा देश नूं विकास की गति देगा और दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगा। तीसरी आर्थिक शक्ति बड़ी तो असी अज पंजवीं हैगे हाँ, तीसरी असी बहुत जल्दी बन जाएंगे। जे असी तरक्की नहीं कर रहे, साडी GDP नहीं बढ़ रही, तो यह किस तरह पॉसीबल हो सकता जी? तो बीबा हरसिमरत नूं पुछो ये तरक्की हो रही है जां नहीं हो रही, ये रेटिंग असी थोड़ा कर रहे हैं, रेटिंग तो इंटरनेशनल एजेंसीज कर दी ने, उन्हां नाल ते साडा कोई प्रभाव नहीं है। तो पाकिस्तान वो लगातार कि ड्रोन आते हैं और ड्रग जिहड़ा कि पंजाब दे विच आ रहे हैं, इसे समगलिंग हो रही है और कब्जा जिहड़ा उत्थे पंजाब सरकार कहती है BSF का है, सेंटर की फोर्स का है, इस बारे की कहो? ये भी झूठ बोलते हैं। BSF तो उन्होंने रोकने में मदद करती है, जिहड़ा कानून व्यवस्था उत्थों की लोकल देखनी है, जिहड़ा FIR रजिस्टर करनी है, वो पंजाब पुलिस करती है, लोकल पुलिस को केस दे दिता जाता और दोनों की कोआर्डीनेशन च काम हुंदा। ये पंजाब सरकार वाले पता नहीं क्यों इररिस्पोंसिबल स्टेटमेंट्स देंगे। तो भगवंत मान वालों सरकार तो पहला किया गया सीगा कि बैबल कलाकांड या बेदबी मामले लैके जिहड़ा कि दोषियों को जिले अंदर डक्या जाऊगा, हर साल बीतन वाला है, हल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सारिया ही गल्लां रह गईयां उन्होंने, तो गल्लां ही बनाउंदे सी। तो राज जिहड़ा दिल्ली तो चल रहा, कोई भी आदेश दिल्ली तो आउंदा, दिल्ली के लोग ही हुण जिवें ये हैगा बिजली बोर्ड, तुहानूं पता कि 4800 करोड़ रुपए का इहदा जिहड़ा हैगा सबसिडी देती, वो CM नूं पेमेंट करनी चाहिए है,
फाइनेंस मिनिस्टर कहता मैं तो पता नहीं असी नहीं पेमेंट करनी। ठीक है 1500 करोड़ का जोड़ा है बिल माफ़ करते जोड़े हूँ किए तो ये कौन देगा पैसे। बिजली तो लोगों को सस्ती मिल रही है, लोग तो इस गल लैके खुश ने भी साढ़े किसी 10 रुपये बिल खुश ने, पंजाब की आर्थिकता भी हो जे दान तदी करोगे ना, जो घर च कुछ पिया हो जे घर ही भुखा होगा तो दान कितों कर दोगे। व्यवस्था चलानी होंगी है तो व्यवस्था किस तरह चलेगी। तो लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि हरेक पार्टी के नुमाइंदे बंदी सिंह के उत्थे जाके शामिल हो रहे हैं, तुम भी हमदर्दी प्रगटा रहे हो जिन्हें सज़ा पूरी हो चुकी है उन्होंने रिहा किया जाए, तुम उत्थे मोर्चे शामिल होवोगे। नहीं मैं तो नहीं जा रहा, बाकियों का मैं पता नहीं, बाकी बीजेपी के लोग जाते हैं, ऐसी कोई गल नहीं। इंडिविजुअल कोई भी जा सकता है, एज ए पोलीटल पार्टी कोई भी पोलीटल पार्टी शामिल नहीं हो रही, असं भी नहीं होगा। तो हाँ ना ना मार रहे हो पर जाके मारा जाना, पोलीटल पार्टियां जाएंगी तो उन्होंने काम ही खराब हो जूगा, उन्होंने अंदोलन खराब होगा। तो ठीक है, सो ये सर हरजीत सिंह गरेवाल जिन्हें कि आम आदमी पार्टी के हाईकमान से भी निशाना साधे कि उन्हों वालों जोड़ा है कि बंदी सिंह रिहाई ना करने अड़िका जोड़ा दिता जा रहा, हूँ देखना होगा बंदी सिंह का रिहाई का मोर्चा इस तरह लगातार जारी रहेगा, और कदों बंदी सिंह की रिहाई होगी। कैमरा परसन मोहित कुमार के नाल दया सिंह राजपुरा।